क्वेश्चन हम लोगों ने बेटा एट, ओके टेंथ कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन 10th बेटा। वाई इज इक्वल टू ए एक्स पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। हाँ जी बेटा, क्या करेंगे यहां पर? अगर आपने इस पर डायरेक्ट लगाना है तो हम इसको रीराइट करेंगे, पावर्स ऊपर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी और सिंपल डेरिवेटिव आगे हो जाएगा। दिस इज वाई, नाउ वाई डैश क्या आएगा? माइनस फोर ए एक्स पार माइनस फाइव। अब जब ये आगे आएगा तो प्लस टू बी एक्स पार माइनस एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ओके बेटा, सबको बात समझ आ गई? हाँ जी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11th, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11th नाउ बेटा। वेरी इजी, y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स माइनस 2। फर्स्टली री राइट रूट एक्स एज दिस x पावर 1/2। डू द क्वेश्चन बेटा, प्लीज डू इट योर सेल्फ। आपको आता है, वेरी गुड, बट यू हैव टू डू। नाउ बेटा y डैश पावर आगे एक पावर कम, जब कम करेंगे तो माइनस 1/2 और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का, तो आंसर इज 2/√x। पता चला कैसे लिखा? ओके, नाउ कम टू 12th क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 12th, अब देखिए चेन रूल अप्लाई होगा यहां पर। कैसे? देखिए y डैश, यहां x होना चाहिए था, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x, x नहीं है यहां पर, क्या है? ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1 इंटू। बात पता चली बेटा? ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? चले आगे, चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th, y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी पावर n सी एक्स प्लस डी पावर n। बेटा क्या करेंगे यहां पर? चेन रूल तो लगाएंगे, सबसे पहला क्या लगना? प्रोडक्ट रूल लगना है। टू फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा ना। तो y डैश फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। जब आप सेकंड का डेरिवेटिव पावर, ओके हाँ जी, पावर आगे एक पावर कम एंड इनटू सी, साथ ही डेरिवेटिव तो पूरा ही लेना है ना, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। आगे सॉल्विंग आप पे, नहीं बेटा सॉल्विंग देखो, ए एक्स प्लस बी कॉमन आ रहा है, सी एक्स प्लस डी दोनों में कॉमन आ रहा है, टेक इट कॉमन ना, जितना कॉमन आ रहा है उतना तो लोगे ना, यहां एन माइनस वन। हां जी पावर बेटा, ए एक्स प्लस बी की पावर जो छोटी है वो क्या है? एन माइनस वन, वो तो कॉमन लोगे ना। उधर से सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, वो तो कॉमन लोगे ना, जितनी आती है कॉमन उतनी लेनी पड़नी है, स्मॉल पावर आती है टेक इट कॉमन। ओके जी, नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए y डैश कॉस एक्स प्लस ए, बट x होना चाहिए था ना,
एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव वन, वन बेटा, तो वो लगाए या ना लगाए डजंट मैटर ना, बात समझ आई मेरी बेटा? मैं क्यों बताती हूँ, बाय चांस यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो साथ में टू एक्स लगता ना, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आपको भूल जाएगा, इसीलिए मैं हर स्टेप पे बताती हूँ कि चेन रूल लगनी ही लगनी। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 15। कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, हाँ जी, वाई डैश, अब क्या करें? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको बार बार कह रही हूं, प्लस सेकेंड एज इट इज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये आप पे डिपेंड करता है आपको डायरेक्टली लगाना आता है कि नहीं आता। ओके जी, अब आगे क्या करेंगे? कोसेकेंट एक्स एज इट इज, हाँ जी, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, नाउ टेक द कॉमन व्हाट एवर द वैल्यू इज कॉमन एंड देन सिंप्लीफाई। ओके जी, समझ आ रही है बात बेटा? ट्राई टू डू इट, अब मैं अगले नहीं करूंगी ब्लैकबोर्ड पे, डू इट, हरी अप। क्वेश्चन 16, आई जस्ट राइट द क्वेश्चन ऑन द ब्लैकबोर्ड एंड यू हैव टू डू इट, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 16, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो है इक्वल्स टू वन होते, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, कॉस एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स कैसे करेंगे पुलकित? हाउ टू डू दिस? मेन फंक्शन कैसा है, क्या रूल लगेगा? हां जी पुलकित, देख लो, हां जी, लास्ट में क्वेश्चन रूल क्या होता है? क्वेश्चन रूल बेटा देख लो बेटा, इतने दिनों से हम कर रहे हैं, चलो दिव्यांशी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस, देन कॉस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस साइन एक्स क्या होता है मेरे पास जो है cos x, सिंप्लीफाई कर लो ओपन करके, माइनस साइन x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x ओवर वन प्लस साइन x का होल स्क्वायर, नेगेटिव कॉमन ले लो तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस वन साइन x माइनस वन ओवर वन प्लस साइन x का होल स्क्वायर, टेक नेगेटिव कॉमन और एक एक कैंसल हो जाएगा, आंसर इज माइनस वन ओवर वन प्लस साइन एक्स। देख लो बेटा क्या फायदा मुझे इतना करवाने का कि अगर यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, आई थिंक 4-5 days हो रही है हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा वन हो गया, दोनों से नेगेटिव कॉमन लिया, साइन एक्स प्लस कॉस प्लस वन और एक कट गया, ऊपर नेगेटिव बचा और नीचे एक टर्म बची, यस जतिन मैम कैमरा थोड़ा नीचे कर दो, हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट बेटा, let us start with the next question, 17th question, ab beta 17th question mein what is written to you, y is equals to
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या करेंगे इसमें? क्वोशेंट रूल लगाइए बेटा, वाई डैश यू बाय वी है ना, यू बाय वी का कैसे करते हैं, वी स्क्वायर, हां जी वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, यू मतलब न्यूमिनेटर में जो होता है, तो डेरिवेटिव इसका साइन प्लस कॉस एक्स का, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ओके माइनस नाउ यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस हो गया। अब बेटा देखिए यहां पर क्लियर कट a माइनस बी जैसी टर्म्स है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, नेगेटिव का। इफ आई टेक नेगेटिव कॉमन आई पुट हियर, ठीक है a माइनस बी का होल स्केयर बन गया, तो मैं लगा रही हूं ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। यहां पर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मैंने इकट्ठा ही बाहर ले लिया, वो नहीं नहीं नेगेटिव ही रहा बेटा, कॉमन लिया ना, ये नेगेटिव तो इसी के साथ था ना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब नेक्स्ट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, इट विल कैंसल, न्यूमिनेटर में टर्म एज इट इज आएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्केयर। अब साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स क्या होता है, वन, वन प्लस वन ये भी वन है ये भी वन है, टू हो गया, तो दैट मीन्स माइनस टू बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्केयर। ओके जी, कैलकुलेशन है वो तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में फटाफट आपको समझा दिया, नेगेटिव कॉमन ले लो, ये कर लो, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर ए माइनस बी सेम सेम टर्म्स है, होल स्केयर बन गया, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ये ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। बेटा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कॉमन लिया तो यहां प्लस ही होगा ना, ये मल्टीप्लाई हुआ तभी होल स्केयर हुआ, ठीक है क्या नहीं? ओके जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई लगता है स्टेप तो आगे से मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी, मुझे लगता है, चलूं आगे, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस आपको करनी आनी चाहिए, थोड़ा सा एग्जाम में इजी रहता है आप लोगों के लिए। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 18th, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस वन सीकेंट एक्स प्लस वन, जल्दी कीजिए। हाँ जी, कौन सा रूल लगेगा यहां पर? वेरी गुड, चलो बेटा विरति इसके नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा? सीकेंट एक्स प्लस वन देन बोलिए इसका डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स और माइनस वन का जीरो खत्म हो गया, देन माइनस सीकेंट एक्स माइनस वन एज इट इज और अगेन सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस वन का जीरो। नाउ टेक सीकेंट एक्स टेन एक्स कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, सीकेंट एक्स प्लस वन माइनस, इफ माइनस इज देयर साइन विल चेंज, इट विल कैंसल, सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू टू बाय सीकेंट एक्स प्लस वन,
आपकी मर्जी है, साइन कॉज में सबको चेंज करके सिंप्लीफाई करना चाहती हो तो कर दीजिए। ओके क्लियर बेटा, चलें आगे। ओके जी, ओके ओके, दोज़ हू हैव डन ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, जल्दी। हाँ साइन कॉज में चेंज कर लो, करना है तो माइट बी साइन कॉज में चेंज करके सिंप्लीफाई हो जाए, है ना, हो रहा है तो करोगे, अगर सिंप्लीफाई इजीली हो रहा है तो यू हैव टू डू इट। चलिए नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th, वाई इज इक्वल टू साइन पावर एन एक्स। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज बताती हूं बेटा, आइदर इट इज साइन पावर एन एक्स ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, वन इज द सेम थिंग, क्योंकि साइन की पावर एन एक्स मीन्स ये साइन एन टाइम्स है, और इसका भी मतलब क्या है, वो ही है कि साइन एक्स जो है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब बेटा ये एक्स की तरह ट्रीट होगा, साइन की पावर एन यानी एक्स की पावर एन, है ना, क्या होता है एन एक्स, एक्स नहीं है, पावर एन माइनस वन इंटू, वेरी गुड वेरी गुड। अब पता चला चेन रूल का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, श्योर, चले आगे। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए, अब मैं 20th, 21, 22 आपका होमवर्क है, 20, 21, 22 दैट इज योर होमवर्क, लेट अस डू 23rd क्वेश्चन, 23rd, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस एक्स, क्या करें बेटा, वेरी गुड, प्रोडक्ट रूल क्या होता है काव्या, ओके चलो यू वी सिलेक्ट कर लें अगर आपको ऐसे इजी लगता है तो, हाँ जी, फर्स्ट यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स एज इट इज u का डेरिवेटिव, वेरी गुड, सिंप्लीफाई कर सकते हो, नेगेटिव एडजस्ट करो, ओपन करो, वो आप पे। ओके नेक्स्ट 24th, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बी प्लस क्यू कॉस एक्स, क्या करें बेटा, ओके लगाएं यू वी, u as it is derivative of v, हाँ जी क्या बनेगा, हाँ जी जीरो माइनस क्यू साइन एक्स, वेरी गुड, प्लस v as it is derivative of u, टू ए एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूं, यू हैव टू डू योर सेल्फ, ओके क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं, चलें आगे बेटा। चलिए नेक्स्ट 25th क्वेश्चन नंबर 25th, वेरी इजी, चलिए ऑल ऑफ यू ट्राई इट, जल्दी जल्दी एंड टेल मी द आंसर, स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो शो इट ऑन योर स्क्रीन, ये तो प्रॉब्लम है, मैं करती जाऊंगी।
आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे। मैंने तो पहले से देख सकते हो जब तक आप पेन नहीं हिलाओगे ना यू आर नॉट एबल टू डू इट विद पेन सो यू आर नॉट एबल टू गेट कि मेरी गलती क्या है। Let us do it. Y dash. This happened is derivative of this. X ka 1 minus 10 ka 16 square. Plus second happened is derivative of this. 1 minus. Hai koi mushkil bata? Next. 26th question. That is again homework. I am doing 27th. अब इसका क्या करें? What to do with this question? कौन सा रूल लगेगा? ओके, क्वेश्चन रूल लगाते हैं। आपने मुझे कहा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर क्या लगाएं? मन्नत प्रोडक्ट रूल लगाएं। वेरी नाइस। ये तो सीधा ही कांस्टेंट है ना, इस बेचारे को क्यों तंग करते हो? कॉस 45 1 बाय रूट 2 ये तो कांस्टेंट है, इसको साथ ही ले चल। मैंने आगे भी बताया था, आप किसी पार्टी में जा रहे हो, घर पे कोई आ गया, उसको साथ लेके जाओगे कि घर छोड़ जाओगे लॉक लगा के साथ? वेरी गुड, मतलब आपके घर में ऐसे गेस्ट हम कभी नहीं आएंगे। हाँ, चलो ठीक है। दैट इज टू रॉन्ग। मैनर्स एंड एटिकेट्स के अकॉर्डिंगली देखे तो आपको उस फंक्शन में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो थैंक्स फॉर योर सजेशन, लेट अस डू द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो क्लियर कट है। इसको एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x, यहां पर 1 बाय रूट 2 आएगा कि नहीं? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, मेरे पास ओ सॉरी u बाय v लगा रहे थे हम लोग, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, तो मेरे पास u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x। आते ही नहीं थे ना, तब तो आप सिंपली आगे पावर, क्योंकि आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे भी तो जब 2 का आएगा वो 0 ही हो जाना है, चलता ही नहीं है ना वो, तो सिंपल इस टर्म का ही लेते हैं सेम ईयर। ये इसीलिए तो ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे गलत कर जाते हैं कई बार। हां जी, समझ नहीं आया? दोबारा कर देते हैं, पहले ही सिंप्लीफाई कर लो। ये स्टेटमेंट थी cos 45 कितना होता है? कैन आई राइट दिस एज दिस? लिख लिया, अब कर दो u by v का फॉर्मूला, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ना उसको। अब लगा दीजिए u by v। मैंने देखा मैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस को फास्ट करूं ना तो मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब ठीक है जी, अब तो आप उसको सिंप्लीफाई करके देखो, यही बन रहा है। वो क्यों लिख रहे थे? x square cos pi by 4 था,
फाइव बाय फोर की वैल्यू बेटा वन बाय रूट टू ही होती है, और यहाँ पर वो टू भी था साथ में, ये कट के रूट टू ही ऊपर बच जाना था वहां। करके देखो सिंप्लीफाई इसको, मैंने बोला ना मैं जरा सी कैलकुलेशन फास्ट करती हूँ तो आप घूम जाते हो कि ये क्या कर दिया मैडम, थोड़ी सी आदत डालो, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो फटाफट होनी चाहिए। समझ आ गया ना, चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वाई इज इक्वल टू एक्स, वन प्लस टेन एक्स, क्या लगाएं? चलो काव्या बताओ बेटा कैसे लगाएंगे। वन प्लस टेन एक्स का स्क्वायर, वेरी गुड। नेक्स्ट, वन प्लस टेन एक्स एज इट इज, आफ्टर देन, ओके जी वन आ गया। वन का डेरिवेटिव जीरो है ना, तो फिर एज इट इज ही मेरे पास जो है टेन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना आपका काम, समझ आया बेटा सबको। चलो नेक्स्ट अब हम करेंगे 30th क्वेश्चन, 29th इज योर होमवर्क। बहुत सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करा दिए मैंने, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड सिलेबस आल्सो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन इट बेटा। क्या करें इसका? चलो आपने कहा क्वेश्चन रूल, मैं प्रोडक्ट रूल भी लगा सकती थी। अगर साइन पावर एन एक्स को ऊपर ले जाऊं, साइन पावर माइनस एन, इट इज अप टू यू। आपने कहा क्वेश्चन, तो आई एम यूजिंग क्वेश्चन रूल, एज यू फील कंफर्टेबल इन अप्लाइंग दिस तो आई एम यूजिंग इट। ओके, दिस एज इट इज। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन माइनस एक्स एज इट इज, नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन पावर एन एक्स, एक सेकेंड। हाँ जी तरुण बताइए बेटा, साइन पावर एन एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा? n माइनस वन इंटू कॉस एक्स, वेरी गुड। ये पता चला कैसे? ये इसका ऑलरेडी डेरिवेटिव हमने पीछे किया था, अगर आपको याद हो तब मैंने बताया था ना, बिल्कुल चेन रूल, पावर आगे जाती है, एक पावर कम होती है, ये कम हो गई, लेकिन साइन एक्स था उसका डेरिवेटिव कॉस, पता चला? कोई डाउट बेटा? आगे सिंप्लीफाई करना, बिल्कुल जी 29th होमवर्क, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को? हाँ जी, ओके ओके, लॉग वाले भी करा देते हैं। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल बताइए कौन सा है? हाँ जी दिखा दीजिए, जो क्वेश्चन देते हो मैं कर देती हूँ। ओके, वैसे बता दूं, देखिए आपको पता है कि y is equal to log x है ना, इसका डेरिवेटिव जो है मेरे पास 1 by x होता है, बताया हुआ है ना, provided x हमेशा greater than 0, log किसी नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे होता, मैं पता क्या करती यहाँ पर, पहले लॉग के रूल लगाती फिर डेरिवेटिव करती। अगर आपको याद हो लॉग एम एन ये किसके इक्वल होता है? वेरी गुड, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो कहना अप्लाई है, अप्लाई की अभी मैं कोई डेरिवेटिव नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ लॉग का अप्लाई कर रही हूँ फॉर्मूला। तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस, अब मैं डेरिवेटिव करूंगी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स नहीं है ना, क्या है? साइन एक्स है, तो साइन एक्स का भी डेरिवेटिव आ रहे मैन, बाहर चले बेटा, नहीं चलते बेटा ऐसे नहीं बेटा, कितना पहले की बात है, cos x, ओके
प्लस वन बाय कॉस एक्स इनटू आपने सिंपलीफाई कर लिया ओके. अच्छा अगर सपोज मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको. लेट अस सी वाई लॉग एक्स टू द बेस ई टू द बेस सेवन तू कैसे करते पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला. वेरी गुड दिव्यांशी. हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले y इज इक्वल टू log x और log 7. इसका बेस स्टैंडर्ड हो गया ना e हो गया. अब क्या करेंगे अब डेरिवेटिव लेंगे. अब डेरिवेटिव कैसे लोगे वो लिख दो वो लिख दो जी लो जी. अरे वैसे भी ये तो कांस्टेंट ही है ना. इसने एज इट इज आना है. log x का डेरिवेटिव ये तो आप पे आप कैसे कर रहे हो. ओके इट इज टोटली अप टू यू. आप log m आप जो कह रहे हो दैट इज रॉन्ग. log m by n होता ना देन आई कैन यूज log m माइनस log n. ये log अलग अलग है दोनों में. यू कांट अप्लाई कर जो log अलग अलग है ना हम अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो अब ये नहीं इसको एज इट इज ये कांस्टेंट है और log x का डेरिवेटिव 1 by n. काम करते हो. ओके जी अप्लाई फॉर्मूला नहीं कर सकते. ठीक है क्या बात समझ आई. गुरजोत वाज सेइंग कि मैम log m log n वो माइनस कर दो. अलग अलग लॉग है तो हम माइनस नहीं कर सकते डिवाइड में ना. तो दैट इज रॉन्ग. बात समझ आई बेटा सबको. बेस चेंजिंग भी लग सकता है प्रोडक्ट. अच्छा ये वाला क्वेश्चन कोई बच्चा और तरह भी कर सकता था. पता कैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड उसने किया और आंसर क्या बन गया sin 2x by 2. अब मैं लगा सकती थी जो गुरजोत ने बोला log m by n. I can apply log m minus log n. अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया. अभी तक मैं सिंपलीफाई कर रही हूँ. तो y डैश log x का डेरिवेटिव 1 by x into cos 2x 2 minus 0. ओके बात समझ आई बेटा. जितना हाथ से निकालोगे ना ये सम कहीं से भी आ जाए. यू आर एबल टू डू. ओके